लॉकडाउन का पांचवा दिन रहा, इसको देखते हुए सारण जिला में भी इसका सीधा असर देखा जा रहा है। इसी क्रम में भिल्दी थाना अंतर्गत पाएगा मित्रसेन के मुखिया रमेश राय ने अपने क्षेत्र में मास्क एवं साबुन का वितरण करते नजर आए। वहीं बच्चों बुजुर्गों को स्वच्छता से संबंधित बातें बताते दिखे तथा किस तरह कितनी देर हाथ धोना इसके बारे में लोगों को अवगत कराया। वहीं के माध्यम से अपने क्षेत्र में वाहन से प्रचार करते हुए देखा गया। इस कार्य को लेकर लोगों ने उन्हें काफी सराहा। वहीं मुखिया रमेश राय ने बाहर से आने जाने वाली गाड़ियों के ड्राइवर एवं भिल्दी थाना पुलिस गश्ती कर रहे प्रशासन को मास्क बांटा। इसी क्रम में नेशनल खबर 9 के छपरा ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने बात की मुखिया रमेश राय से और जानने का प्रयास किया कि उनका इस तरह से कार्य करने का क्या उद्देश्य है। देखिए एक रिपोर्ट। आज लॉकडाउन का पांचवा दिन है और प्रशासन और डीएमएसपी के आदेश के अनुसार पूरी तरह से छपरा में अभी लॉकडाउन है। अभी मैं भिल्दी थाना के नज़दीक खड़ा हूं और यहां के मुखिया रमेश राय जी भी मौजूद हैं। साफ तौर से देख सकते हैं रोड एकदम सुनसान है। बहुत ज़रूरत जो है वही व्यक्ति आवागमन कर रहे हैं, अन्यथा पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है सारण में। इसी क्रम में मुखिया रमेश राय अपने पंचायत क्षेत्र में मास्क का वितरण किया। आइए बात करते हैं रमेश जी से कि इनके मन में कैसे विचार आया। रमेश जी नमस्कार। सर बताया जाए कि आपके मन में कैसे विचार आया कि सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा नेशनल खबर 9 को। मैं परसों मुख्य सचिव के द्वारा वीसी का कार्यक्रम हुआ था प्रखंड मुख्यालय पे। उसमें वीसी महोदय, डीजीपी महोदय, पंचायती राज के डायरेक्टर अमित मीना साहब, सब उच्च पदाधिकारी सब लोग मौजूद थे और उसमें यह आदेश दिया गया मुख्य सचिव के द्वारा कि मुखिया जी, थाना प्रभारी, सब लोगों का यह जो विविधा पूरे देश पर आई हुई है, जो कि पूरे विश्व लेवल का संक्रमण रोग जो लक्षित होते जा रहा है, पूरा देश, पूरे विश्व का 199-200 देश लगभग इस चपेट में आ चुका है। तो मुख्य सचिव द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया कि लगातार पंचायत में बैठके करके, छोटी छोटी समूह में बैठके कर वार्ड मेंबर, पंच महोदय, आंगनबाड़ी सेविका, आशा, सब लोगों को बैठक करके छोटे छोटे समूह में और पंचायत स्तर पर हर एक पंचायत में, पूरे बिहार की पंचायत में इस तरह का पंचायत में प्रचार प्रसार किया जाए कि जितने भी लोग हैं जो पूर्ण रूप से जो लॉकडाउन का जो पालन करें पूर्णतः, क्योंकि इस कोरोना जो कोरोना इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और इसका एक ही मात्र रूप इलाज है कि हर लोग संयमित रहें और घर में लॉकडाउन, अपने घर में अंदर रहें। विशेष परिस्थिति में कुछ अगर ऐसा होता है तो परिवार का एक सदस्य कोई मार्केट में जाए, उसका आज डीएम महोदय द्वारा आज उसका समय भी निर्धारण कर दिया गया कि 6 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक किराना और सब्जी का दुकान खुला रहेगा। इसलिए कि ज़्यादा संख्या में लोग दुकान पर नहीं जाएं, एक एक करके जाएं और वहां अपना सामान खरीदें, फिर पुनः जितना जल्द हो सके अपने घर में वापस आ जाएं। और साथ ही इसी दरमियान मुख्य सचिव का जो आदेश हुआ, जो आग्रह किया गया मुख्य सचिव द्वारा, उसको हम लोग पालन करते हुए हमें सब पूरे बिहार के सभी मुखिया, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि नहीं, घूम घूम कर पंचायत में जनता से सब लोगों को यह बात बताया जा रहा है कि देखिए भाई, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आप निश्चित तौर पर अपने घर में रहें। और यह भी बताया गया, हम लोग यह भी बता रहे हैं कि देखिए, जो मास्क, जो स्वास्थ्य, हाथ जो धोना है साबुन से कम दिन में 15-20 बार हाथ धोकर ही घर में अंदर जाना है। और किसी परिस्थिति में आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति अगर बाहर से देश से या विदेश से अगर आपके घर पर आता है तो निश्चित तौर पर आप स्वास्थ्य विभाग का जाँच कराकर ही उनको घर में मिलने जुलने दें। इसलिए कि अब बीमारी जो है कोई जरूरी नहीं है, किसी को बीमारी पकड़ सकते, बाहर से आने वालों आदमी उससे ग्रसित हो सकते हैं। और यह बीमारी आज आने के बाद नहीं बुझाएगा कि आज बीमारी चल रहा है, लेकिन वह बीमारी 14 दिन के बाद भी आज जाँच कराएंगे तो हो सकता है कि निगेटिव आ जाए, लेकिन 14 दिन के दरमियान हो सकता है कि वो निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाता है। इसलिए ऊपर से पूरा हिदायत दिया गया है सरकार के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, कि किसी भी आदमी को अगर कोई बाहर से अपना बेटा या अपना भाई अगर आता है तो उसे आप एकांत कर दें, किसी अपने ही रूम में, एक रूम में उनको व्यवस्थित कर दें कि वह एकांत अवगत करा दें।
और ज़्यादा संख्या में अगर आपके पंचायत में आपके गांव में बात लोग आ जाते हैं तो पंचायत में एक विद्यालय को चिन्हित किया गया है कि उसमें आइसोलेशन वार्ड बना के उसमें उसको भर्ती कर दें और उससे प्रशासन आकर उसमें जाँच करेगी और जाँच करने के बाद जो भी सुविधा होगी प्रशासन के द्वारा पंचायत के द्वारा उस आइसोलेशन वार्ड में उनको सुविधा दी जाएगी। और इसी दरमियान हम लोग अपने पंचायत के क्षेत्र के हर वार्ड में हर टोले मोहल्ले में जाकर इस तरह लोगों को हम लोग जागृत कर रहे हैं कि आप लोग से निवेदन है, विनती है कि अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए ये बहुत ही अति आवश्यक है लॉकडाउन का पालन करना। इसलिए सब लोगों से निवेदन है, आग्रह है, विनती है कि आप लोग लॉकडाउन का पूर्णतः 100% पालन करें। इसी में हम लोगों की, आपकी, आपके परिवार की, समाज की भलाई है। थैंक यू। अभी रमेश राय जी से मैं बात कर रहा था, हालांकि ये बहुत पुराने मुखिया हैं और इनका क्षेत्र में अच्छा दबदबा है। वहीं छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जरा 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया उन इस आपदा काल में दिया गया है और साथ ही इंसुलेट वार्ड का भी व्यवस्था किया जा रहा है। डीएम साहब को भी आदेश दिया गया है कि अपने क्षेत्र में जो भी PSC हॉस्पिटल है उसमें कम से कम एक जो है एक इंसुलेट वार्ड बनाया जाए। या कहीं ना कहीं सारण सांसद द्वारा भी ये सराहनीय प्रयास रहा इस आपदा की घड़ी में। छपरा से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। आपको मास्क किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? मुखिया जी के। कहाँ से आप आ रहे थे? अमवारा से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अमवारा जी। ये मुखिया जी को मास्क देने से आप काफी खुश है? इस तरह से अभी तक कोई मुखिया इस तरह से रोड में नहीं किए थे? जी नहीं किए। चलिए, क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम अमोद कुमार यादव है। चलिए ठीक है।